गूगल ड्राइव पे हम कैसे कितना भी डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और मैं जीमेल आईडी खोलूँगा अपनी। मैंने क्लाइंट को डेटा सेंड करने के लिए अलग जीमेल आईडी बनाई हुई है, क्योंकि मेरी जो पर्सनल जीमेल आईडी है उसमें स्पेस नहीं। पहले हम गूगल खोलेंगे और उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ न्यू टैब लूँगा, इसमें मैं दोबारा गूगल खोलूँगा। इससे क्या होगा, मेरी जीमेल आईडी जो पहले वाली है वो डली रहेगी उसमें सिस्टम में, और मैं दूसरी जीमेल आईडी खोलूँगा। तो जीमेल खोल लिया मैंने और मैंने इसको जब बनाया था तो मैंने इसका डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है, क्योंकि मेरे याद नहीं है वो। ओह दोस्तों देखते जाना। अच्छा एक चीज़ है, हम इसमें कितना भी अनलिमिटेड डेटा सेंड कर सकते हैं। यहाँ से हम जीमेल आईडी खोलने के बाद में यहाँ पे हम साइड में जाएंगे जहाँ पे 9 पॉइंट है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे, ड्राइव में जाएंगे, और ड्राइव में जाने के बाद में हम न्यू में जाएंगे और हमें करना है फोल्डर अपलोड। अगर हमें फ़ाइल करनी होती तो केवल फाइल पे जाते हैं, अभी हमें करना है फोल्डर अपलोड, तो फोल्डर पे जाएंगे। फोल्डर पे जाने के बाद में जहाँ हमने वो सेव किया हुआ है वहाँ से हम उसको उठाएंगे। अभी मैं क्लाइंट को एल्बम सेंड कर रहा हूँ, तो जो मेरा डेटा है वो है 709 MB का, और आपके नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आसानी से चला जाता है। और ये अपलोड होना शुरू हो गया। अच्छा वी ट्रांसफ़र से हम अगर सेंड करते हैं तो वी ट्रांसफ़र से बहुत टाइम लगता है और बहुत सी बार 99% होने के बाद भी ऑफ हो जाता है। तो मैंने बहुत पहले वी ट्रांसफ़र से सेंड करता था, और कुछ ड्राइव मीट से, बहुत सारे ऐप है उससे करता, लेकिन गूगल ड्राइव जो है ये सही है, सेफ भी है। हम अपने ड्राइव पे अपलोड कर लेंगे और कुछ नहीं, आसान है, बहुत ही आसान है, और उनको लिंक सेंड कर देंगे। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं उसको अपलोड होने के लिए रोकता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं। अपलोड होने दो इसको। अच्छा ये अपलोड हो चुका है, 61 फाइल थी, 61 फाइल चली गई, मुश्किल से 10 मिनट लगी होगी, 10 मिनट में हो गया। अच्छा अभी हमें क्या करना है, हमने जिस नाम से किया था उसका नाम है शंकु, ठीक है ना, इसको ओपन करना है और यहाँ पे जाना है, यहाँ से शेयर में जाना है। गेट लिंक पे भी जा सकते हैं बट शेयर पे जाएंगे हम। शेयर पे जाने के बाद हम वो जीमेल आईडी सेंड कर देंगे जिसको हम लिंक भेजना चाहते हैं, तो मैंने ये कर दिया है, ठीक है ना। मैं एक बार और उसके लिंक को कॉपी करूँगा ताकि मैं व्हाट्सएप पे भी भेज सकूँ, और व्हाट्सएप का तो पता ही है आपको सबको कि व्हाट्सएप हम कंप्यूटर पे भी ओपन कर सकते हैं। कॉपी लिंक, उसके बाद मेरी जो पहले वो खुली हुई है जीमेल आईडी, तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप ऑन कर लेंगे। व्हाट्सएप वेब पे जाएंगे, व्हाट्सएप वेब पे जाने के बाद मेरा पहले से ओपन है, अगर किसी से किसी को नहीं पता इसके बारे में तो यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप को ओपन करना, उसके बाद एक बारकोड खुलेगा, फिर अपना व्हाट्सएप मोबाइल में ऑन करना। व्हाट्सएप मोबाइल में ऑन करने के बाद में हम वहाँ पे एक बारकोड को स्कैन कर लेंगे, स्कैन का ऑप्शन आता है, और जैसे मैंने लिंक कॉपी किया था अभी उठाना है और पेस्ट कर देना है, और ये लिंक पेस्ट हो गया। अब एक नंबर पे और करना है, ये दोनों जगह मेल हो गया। थैंक यू एवरीवन देखने के लिए, और कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।